बच्चों, आज हम जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं रमेश दत्त शर्मा। अब हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 में हुआ और मृत्यु 2012 में हुआ। अब हम इनका परिचय देखते हैं। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं-8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। अब हम कविता का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार रमेश दत्त शर्मा दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना, आवश्यकता के समय अवश्य बोलना, कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना आदि गुणों को सीखना चाहिए। अब हम कविता की पढ़ाई करते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अब हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। शहद यानि मधु, प्यार से यानि प्रेम से, यारो यानि मित्रों, फायदा यानि लाभ, जुबा यानि वाणी, सीख यानि शिक्षा। कवि रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं, हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं, जैसे ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है, इसलिए हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन वक्त पर हमारी जुबां भी खोलनी चाहिए। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। ख्याल यानि विचार, टोकना यानि रोकना, पूछताछ करना, और तू तू मैं यानि झगड़ा होना। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वालों को दुख पहुंचाए। तलवार से हुआ घाव देर सवेर भर ही जाता है, किंतु कटु वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। इसलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोककर चुप रहना चाहिए, चुप रहना सीखना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कवि रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं। आगे देखते हैं। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु यानि कड़वा, वचन यानि बोल, गुल यानि फूल, रोपना यानि लगाना, बोना। बच्चों, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ ही देती है। कटु वचनों से
कांटे ही हमें मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ, ऐसे कवि जी कहते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बेबात यानि बिना बात, सीकर यानि सिलकर, मुंह खोलना यानि अपनी बात कह देना। अच्छा बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखना चाहिए, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होंठ सीकर यानि चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डट कर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए, ऐसा कवि शर्मा जी कहते हैं। बच्चों, वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों भी है। वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति कितनी ही परेशानियों से घिरा और तनावग्रस्त क्यों न हो, किसी के मधुर वचन उसकी परेशानी और तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। मधुर वचनों में इतनी शक्ति और आकर्षण होता है कि मधुर भाषी सारे जग को अपना बना लेता है। पराये भी मित्र एवं हितैषी बन जाते हैं। वही कटुभाषी व्यक्ति अपने ही घर में पराया हो जाता है। मानव संसार में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। अतः हमें एक एक वचन सोच समझकर बोलना चाहिए। वास्तव में मधुर वचन जहाँ दूसरों को आनंद की अनुभूति कराते हैं, वही हमारे मन को भी संतुष्टित और शीतलता से भर देते हैं। मीठी वाणी सफलता की कुंजी होती है। अतः हमें सदैव मीठा और उचित ही बोलना चाहिए। कहा भी गया है, तुलसी मीठे वचन तय सुख उपजत चहूं और, वशीकरण के मंत्र है तजदे वचन कठोर।